हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरी फ्रिज की डीप क्लीनिंग रूटीन। इस फ्रिज को मैं लास्ट 3 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और ये मेरी सेकेंड टाइम है मैं फ्रिज की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैं इसे अंदर से क्लीन करती हूँ वंस इन अ वीक, लेकिन डीप क्लीनिंग वंस इन अ मंथ। मैं शुरू से ही फ्रिज को फ्रिक्वेंटली क्लीन करती हूँ ताकि एक तो इसमें हम खाना रखते हैं और हेल्थ के साथ नो कॉम्प्रोमाइज़, और दूसरी रीज़न ये है अगर फ्रिज अंदर से ज़्यादा गंदा हो जाए तो क्लीन करने में भी परेशानी होती है और ज़्यादा टाइम भी लगता है। तो चलिए क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं। क्लीनिंग शुरू करने से पहले मैंने फ्रिज की पावर ऑफ कर दी थी कुछ घंटे पहले ही। फ्रिज जितना भी गंदा हुआ है वो मैट के ऊपर हुआ है, तो जब मैं वीकली फ्रिज क्लीन करती हूँ तो सिर्फ मैट निकाल के उसे क्लीन करती हूँ, लेकिन आज मैं फ्रिज के सभी पार्ट को निकाल के उसे क्लीन करूँगी। अब मेरी फ्रिज हो गई है पूरा खाली। यहाँ पर मैं विनेगर वाटर के मिक्सचर में 1 ड्रॉप लिक्विड डिश वॉशर ऐड करूंगी। स्प्रे बॉटल छोटा है इसीलिए बस 1 ड्रॉप मैंने डिश वॉशर यूज किया। अब इसे स्पॉन्ज वाइपर से क्लीन करूंगी। सबसे पहले फ्रीजर सेक्शन में जितना पानी है उसे मैंने स्पॉन्ज वाइपर से अच्छे से ड्राई कर लिया। उसके बाद स्प्रे बॉटल से स्प्रे करके स्पॉन्ज वाइपर से अच्छे से क्लीन करूंगी। इस तरह से मैं पूरे फ्रिज में स्प्रे करके स्पॉन्ज वाइपर से क्लीन कर लूंगी। क्लीनिंग के टाइम मैं हमेशा एक बोल में क्लीन वाटर और एक बाकेट सामने रखती हूँ ताकि वाइपर को क्लीन करने के लिए मुझे बार बार उठना ना पड़े। फाइनली फैन चला के फ्रिज को खुला छोड़ दूंगी कुछ टाइम के लिए, जब तक फ्रिज पूरा ड्राई ना हो जाए। अब मैं फ्रिज की स्टैंड कम वेजिटेबल ड्रॉर को क्लीन करूंगी सेम जैसे मैंने फ्रिज को क्लीन किया। फ्रिज की सभी पार्ट को मैं अब लिक्विड डिश वॉशर और स्कॉच ब्राइट से धोके उसे सुखाने के लिए रख दूंगी। सेम मैं फ्रिज मैट को भी धो लूंगी। वीकली एक बार मैं ऐसे फ्रिज मैट को क्लीन करती हूँ। धोने के बाद अब मैं इसे ऐसे सुखाने के लिए रख दूंगी। फ्रिज कवर धोने के लिए रखने के बाद मैंने फ्रिज की आउटर पार्ट को ड्राई कॉटन क्लॉथ से अच्छे से साफ कर लूंगी। एक घंटे के बाद फ्रिज और फ्रिज की सभी पार्ट्स ड्राई हो गया है और आप देख सकते हो फ्रिज बहुत ही क्लीन दिख रहा है। अब मैं फ्रिज की सभी पार्ट को फिर से ड्राई क्लॉथ से और एक बार पोंछ के फिर से सेट कर दूंगी और साथ ही साथ फ्रिज में जो भी कुछ था उसे फिर से रख दूंगी।
तो फाइनली फ्रिज की पावर बटन ऑन कर दिया और फ्रिज अब फ्रिज से दिख रहा है पूरा क्लीन और नया जैसा। फ्रिज कवर को भी धो के मैंने फिर से लगा दिया। ऐसे मैं करती हूँ अपनी फ्रिज की डीप क्लीनिंग जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।